सो हेलो गाइस, एप्पल फाइन। सो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स जो कि हम करते हैं इंटरनेट यूजिंग करने के दौरान। तो कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं, वीडियो कहीं देखते रहो विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सो हाँ गाइस, आज का हम लोग का जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा इंटरनेट प्राइवेसी के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हर आदमी आजकल इंटरनेट यूज कर रहा है और हर एक आदमी के पास इंटरनेट की व्यवस्था है आजकल। तो इंटरनेट आजकल ऐसा चीज होगी जो कि बहुत उसके एडवांटेजेस भी हैं और बहुत ढेर सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो आप यूज करते हो इंटरनेट, तो आपको ये पता होगा कि आपकी सारी जो हिस्ट्री होती है, अगर आप कहीं भी किसी भी साइट पर जाते हो क्रोम से या फिर कहीं भी आप कुछ सर्च करते हो गूगल से, तो वो सब आपकी हिस्ट्री सेव होती जाती है। तो वो अगर आप मान लो आपको अपनी प्राइवेसी को वो एनोनिमस रखना, आपको किसी को शो करना, आपकी प्राइवेसी किसी पास जाए नहीं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो वीपीएन। तो वीपीएन बेसिकली होता क्या है, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो दोस्तों हम लोग ने ये भी जान लिया कि व्हाट बेसिकली वीपीएन स्टैंड्स फॉर। तो वीपीएन जो हम लोग किस लिए स्टैंड करता है, वीपीएन स्टैंड करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे। अब नेटवर्क होता क्या है, मान लो अगर आप अपने घर में जो है स्मार्ट टीवी यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो या फिर मोबाइल यूज करते हो, जिसको आप मॉडम से कनेक्ट करते हो या फिर आप राउटर से कनेक्ट करते हो, तो वो आपकी जो अगर आप मान लो कोई फाइल शेयर कर रहे हो अपने मोबाइल से कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर से स्मार्ट टीवी में, तो आपकी जो है पर्सनल ब्राउजिंग हो गई, बाकी पर्सनल नेटवर्क शेयरिंग हो गई, उसमें कहीं आपका बाहर का इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर आप मान लो वही इसी को इंटरनेट कहते हैं। अब अगर मान लो आप वीपीएन यूज़ करते हो, तो वीपीएन से होता क्या है कि आपकी जो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपकी जो प्रोफाइल होती है वो एनोनिमस हो जाती है, कोई पता नहीं कर सकता है कि आप कौन हो, कहां से यूज़ कर रहे हो और किस लिए यूज़ कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो वेबसाइट पे और कब कब सर्च कर रहे हो। तो ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं ये एनोनिमस हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई वो निकाल ही नहीं सकता है अगर आप वीपीएन यूज़ करते हो। तो अगर आपको वीपीएन किसी लिए यूज़ करना चाहिए, मान लो कोई गलत काम के लिए तो नहीं यूज़ करना चाहिए वीपीएन। अगर आपको मान लो आपको प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है, तब आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप क्रोम यूज़ करते हो और क्रोम पे कुछ लोगों का माना है जो इनकॉग्निटो टैब होता है, यहाँ पे मुस्लिम लोगों को पता होगा इनकॉग्निटो टैब होता क्या है। तो अगर नहीं, जिनको नहीं पता वो बता दूँ, इनकॉग्निटो टैब जो होता है वो हमारा एक प्राइवेट पेज होता है जहाँ पे हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो उसकी बेसिकली हिस्ट्री नहीं सेव होती है। तो कुछ लोग का माना है अगर वहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सेव नहीं होता, किसी को पता नहीं रहता, वो एकदम हमारी प्राइवेट ब्राउजिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे खाली आपकी हिस्ट्री नहीं सेव होती है, बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जाती रहती है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस जो होता है उस समय वो आपका विजिबल होता है। तो अगर कोई मान लो हैकर जो होते हैं वो आपकी आराम से हिस्ट्री निकाल सकते हैं। अब देख लो अगर आप जाते हो कहीं भी, जैसे मान लो आजकल तो रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी एयरपोर्ट पे आपको मिल जाता है फ्री वाईफाई नेटवर्क, तो यार इंडिया की जो पहले से बना हुआ कि यार फ्री की चीज़ तो इंडिया वाले छोड़ते नहीं है पहले, तो जाते हैं और आराम से भाई फ्री का वाईफाई यूज़ कर लो। और इससे बहुत बड़ी गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हो, तो मान लो अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो वहाँ का, तो आपका होता क्या है, आप तो यूज़ कर रहे हो लेकिन उसने जिसने ये वाईफाई लगवाया वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान से इसको यूज़ किया करो, क्योंकि आपकी वो इन्फॉर्मेशन निकाल भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो वाईफाई होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपको फंसाने के लिए ही जाल बिछाए रहते हैं कि वहाँ पे आप कनेक्ट करो तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हैकर कुछ भी कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो बीवेयर और आराम से अपना देखो, जैसे यूज़ करना है वैसे करो, बस प्राइवेसी लगाए रहो, ठीक है। और बता देता हूँ कैसे वीपीएन का डाउनलोड करना है। देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया वीपीएन, इंडिया का वीपीएन डाउनलोड करना बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो इंडिया का देखो ये वाला वीपीएन है, तो इसको डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड होने देते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, अब देखो इसको इंस्टॉल करो जल्दी से। देखो इंस्टॉल कर लिया है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ऊपर एक एरो बन के आ रही है, ऊपर देखो एरो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका वीपीएन एक्टिवेट हो जाएगा इंडिया के सर्वर पे, क्योंकि अभी डिफॉल्ट जो होता है वो इंडिया का सर्वर लगा हुआ है इसमें। तो ऊपर राइट साइड में आप लोग देख सकते हो इंडिया का फ्लैग बन के आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने खूब ढेर सारे सर्वर आ चुके हैं। आप सर्वर कोई भी सेलेक्ट कर लो अपने मन से, या फिर यूएस का कर लो या फिर जर्मन का कर लो, कहीं का भी कर लो सेलेक्ट, तो उसको सेलेक्ट करके आप वीपीएन एक्टिवेट कर दो। अब वीपीएन आप एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपका वीपीएन एक्टिवेट हो चुका। अब मान लो इसका यूज़ खत्म हो चुका, तो इसको बेसिकली डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ पर जाओ और ये क्लिक कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया। तो हाँ गाइस, ये था वीडियो, जब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे करो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे।